दोस्तों साल 2021 में रिलीज होने वाली मलयालम मूवी निजहाल मैंने जस्ट अभी देख के खत्म करी, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसका रिकमेंडेशन मुझे मेरे किसी व्यूवर ने दिया था अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। और इस मूवी को जस्ट मैंने अभी देख के खत्म किया है। और इस मूवी को खत्म करने के बाद में अगर एक वर्ड के अंदर इस मूवी के ऊपर रिएक्शन दिया जाए तो मैं यही कहूंगा कि ये जो मूवी है ये एक एवरेज मूवी है। अब कहने को तो ये जो मूवी है ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। और इस मूवी की अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो इस मूवी के अंदर जो मेन लीड कैरेक्टर है वो एक छोटे बच्चे से जाके मिलता है जिसको मर्डर मिस्ट्री स्टोरी लिखने का काफी ज्यादा शौक है। कहानी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट होना तब शुरू होता है जब वो छोटा सा बच्चा जितनी भी कहानियां लिखता है जो कि मर्डर मिस्ट्रीज के ऊपर है वो सारे के सारे इंसिडेंट रियल लाइफ में होने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर काफी सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो हो चुके होते हैं। तो उन सब इंसिडेंट के जो डिटेल्स है जिस तरीके से वो अपनी कहानियों में मेंशन करता है वही सारी डिटेल्स उन सारे इंसिडेंट के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। यहीं से स्टार्ट होता है इस मूवी का सस्पेंस जो कि कहीं ना कहीं आपको एक बार के लिए ये बिलीव कराएगा कि बच्चे के पास कहां से सारी डिटेल्स आ रही है या फिर उसके पास ऐसे कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो इंसिडेंट हो चुके हैं पास्ट के अंदर या फिर जो होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर उनके बारे में कैसे प्रेडिक्शन लगा लेता है, कैसे छोटी छोटी डिटेल से वो उस बच्चे को पता चल जाती है। देखो मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही बढ़िया मेरे को लगी और जो कि मोमेंटम मेरा बना हुआ इन दोनों मलयालम मूवीज को लेकर के, क्योंकि मलयालम मूवीज की तरफ से हमको वन ऑफ द बेस्ट मूवीज देखने को मिलती है उनकी स्टोरी लाइन, उनके जो डायलॉग, उनके एक्शन सीक्वेंस के साथ में जो कैमरा एंगल्स के जो शॉट होते हैं वो बहुत ही बढ़िया हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर स्पेशली इस मूवी की बात करें तो इस मूवी का जो VFX है वो बहुत ही बेकार है। मूवी का जो ओपनिंग सीन है जिसमें पक्षी की एंट्री दिखाई जाती है अगर उस सीन के VFX की बात करें तो वो बहुत ही बेकार है, बिलो एवरेज है। मेकर्स के साथ ये सोच रही होगी कि उस सीन के साथ में जो ऑडियंस है उसके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा मूवी की बिगनिंग से ही, लेकिन इसका पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता है जब आप मूवी के स्टार्टिंग के अंदर वो बिलो एवरेज वाला सीन देखते हो पक्षी की एंट्री वाला जिसका VFX बहुत ही खराब है, तो आप इस मूवी को लेकर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाती हो। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही बढ़िया है, इस मूवी के जो डायलॉग्स है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसके साथ में जिस तरीके से इन्होंने सस्पेंस की टेंशन को मेंटेन करके रखा है पूरी की पूरी मूवी के अंदर वो नेक्स्ट लेवल है। और यही जो सारी चीजें हैं ये आपको इस मूवी को देखने के लिए बांधे रखती है। लेकिन जैसे क्लाइमेक्स के अंदर मूवी का जो सस्पेंस है जो रिवील होता है वो देखने के बाद में जो वाओ वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं आती है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने चिकन बोल करके आपको सोयाबीन खिला दिया है। इस मूवी को देखने का जो सबसे अच्छा रीजन है वो है इस मूवी का सस्पेंस जिसके आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। और इस मूवी को नहीं देखने का जो सबसे अच्छा रीजन है वो भी इस मूवी का सस्पेंस ही है, क्योंकि जब सस्पेंस को रिवील किया जाता है तो आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा वैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। इस मूवी का जो सस्पेंस है वो काफी ज्यादा बिलो एवरेज है, काफी ज्यादा फीका सा आपको देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल ये जो मूवी है इस मूवी के अंदर आपको बेस्ट स्टोरी लाइन, बेस्ट डायलॉग के साथ में बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलती है। स्पेशली अगर उस बच्चे के कैरेक्टर की बात करें तो उसने अपने रोल के अंदर एक्टिंग से जान डाल दी है, काफी अच्छा काम किया छोटे से बच्चे ने इस एज के अंदर। इसके अलावा इस मूवी के अंदर एक आध और नेगेटिव चीजों की बात करें तो इस मूवी के अंदर जिस तरीके के जो इंसिडेंट दिखाने की कोशिश करी है वो बहुत कम है, मतलब खाली 2 इंसिडेंट ही आपको देखने को मिलने वाले, लेकिन जो बच्चे ने कहानियां लिखी वो काफी ज्यादा है लेकिन इंसिडेंट सिर्फ 2 ही देखने को मिलते। अगर ये इंसिडेंट और भी ज्यादा आपको इस मूवी में देखने को मिलते तो हो सकता था इस मूवी को देखने के टाइम पे आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता, बट जो इंसिडेंट इन्होंने दिखाए वो खाली 2 दिखाए जिसकी वजह से ये जो मूवी है कहीं ना कहीं आपको बिलो एवरेज वाली फीलिंग देने वाली है। लेकिन देखो इस मूवी के अंदर अगर आप 1-2 चीजों को इग्नोर कर दो तो आप इस मूवी को कंप्लीटली अपनी फैमिली के साथ बैठ करके एंजॉय कर सकते हो। बॉलीवुड वाला जो सिनेरियो है वो आपको इस मूवी में नहीं देखने को मिलने वाला जहां पे आपको हर एक चीज को इग्नोर करना पड़ता है। तो ओवरऑल ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी, साल 2021 की वन ऑफ द बेस्ट मलयालम मूवी तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, बट स्टिल ये जो मूवी है ये कि एवरेज मूवी है, आप देख करके इसको एंजॉय कर सकते हो। सस्पेंस को जिस तरीके से इन्होंने शो किया है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव आपको इस मूवी में लगने वाला है। और अगर आपने इस मूवी को ऑलरेडी देख करके खत्म कर डाला है हिंदी सबटाइटल के साथ में Amazon Prime के ऊपर ही तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ में इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर कहीं से भी घूमते फिरते आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।